आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। अमेज़न को माफी मांगनी होगी। एक वेब सीरीज पर सियासत की कितनी असीम संभावना हो सकती है, ये तांडव से साबित हो रहा है। ये सीरीज उस वक्त आई जब बंगाल में चुनावी युद्ध का बिगुल फूंका जा चुका है। यूपी में एक साल बाद चुनाव होना है, तो ऐसे में तांडव के आते ही तांडव होने लगा। हिंदू भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करेगा और देवी देवताओं के प्रति असम्मान की भाषा का प्रयोग करते हुए पिक्चर वेब सीरीज वगैरह बनाएंगे, तो उनको समाज के द्वारा दंड देना चाहिए। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को ऐसी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के 4 पुलिसकर्मी मुंबई जा रहे हैं। ये वेब सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों से पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी नेताओं के मोर्चा खोलने के बाद अब आरएसएस को भी फिल्म के पीछे के इरादे में खोट दिखने लगे। आरएसएस कह रहा है जिस तांडव के पीछे की दृष्टि राक्षसी प्रवृत्ति से ओतप्रोत है। किसी के द्वारा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना यह अमानवीय भी है, राक्षसी भी है। अगर हम चाहते हैं भाईचारा रहे, शांति रहे, विकास आए, तो अपने अपने मत पर चलो, दूसरे के मत पंथ का आलोचना नहीं करो, उस पर टिप्पणी नहीं करो। अगर आलोचना और टिप्पणी करेंगे तो संघर्ष होगा और उसमें से रक्तपात भी होगा, हिंसा भी होगी और नफरत और द्वेष बनेगा। अपने पर चलो और दूसरे के का सम्मान करो, आलोचना नहीं, तो फिर भारत महान बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। मायावती ने भी तांडव वेब सीरीज को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावनाओं को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो। तांडव पर मचे तांडव पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछा, सरकार आपकी, सेंसर बोर्ड आपका, फिर पाबंदी क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलम्बरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा, अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। बता दें कि तांडव में सबसे ज्यादा जीशान आयुब के एक वीडियो को शेयर किया जा रहा है, जहां पर वे भगवान शिव बन कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। आरोप है कि अली अब्बास की ये सीरीज गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है, सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी कर रही है और जीशान आयुब को भगवान शिव बना गालियां दिलवा रही है। 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव एक पॉलिटिकल ड्रामा है। इसमें सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर और मोहम्मद जीशान आयुब ने मुख्य किरदार निभाए हैं। बीजेपी के आक्रामक रुख से ये साफ है कि मामला अभी और गर्म हो सकता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।